डुमरी गुमला प्रखंड अंतर्गत प्लस टू उच्च विद्यालय डुमरी टांगरडी के प्रधानाध्यापक की ओर से घोर लापरवाही की गई। इन दिनों पूरे प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। लापरवाही इतना है कि कभी जिला टॉप थ्री में आने वाली छात्रा इस सम्मान को पाने से वंचित रह जाती है, तो कभी समय से प्रवेश पत्र नहीं मिलने के कारण विद्यार्थी झारखंड ओलंपियाड परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। और इस संबंध में बात करने पर विद्यालय के शिक्षक एक दूसरे पर इसका ठिकाना फोड़ते नजर आते हैं। आपको बता दें, डुमरी प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत एक विद्यालय है प्लस टू उच्च विद्यालय डुमरी टांगरडी, जहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अखबार में प्रकाशित होने के बावजूद भी विद्यालय की ओर से घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर शिक्षा विभाग भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। उक्त विद्यालय के वर्ग 9वीं के कुल 10 विद्यार्थियों का दिनांक 18 जुलाई से 20 जुलाई तक झारखंड राज्य ओलंपियाड परीक्षा में भाग लेना था, लेकिन इन विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा मिलने वाला प्रवेश पत्र समय से नहीं मिला और ये उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह गए। जबकि प्रखंड के बाकी 235 विद्यार्थियों को संबंधित स्कूलों ने प्रवेश पत्र समय से उपलब्ध करा दिया है, जिससे वे परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इस बात की चर्चा पूरे प्रखंड में आग की तरह फैल गई है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक की बार बार गलती के कारण विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। इस संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सब्जीलाल साहू ने भी प्रधानाध्यापक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इससे 15 दिनों पूर्व भी इस विद्यालय में वोकेशनल के प्रायोगिक परीक्षा का अंक विद्यालय की लापरवाही के कारण नहीं जुड़ने से 76 विद्यार्थी उस विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, जबकि एक छात्रा अमृता कुमारी, जिसका प्रायोगिक परीक्षा का अंक अधिजुड़ता तो जिला टॉप थ्री में आकर पूरे प्रखंड का मान बढ़ाती है, लेकिन ऐसे होनहार विद्यार्थी भी दिनों दिन विद्यालय की लापरवाही का शिकार होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी प्रखंड में अव्वल रहने वाला यह विद्यालय भी शिक्षा के सौदागरों की भेंट चढ़ जाएगा। विद्यालय में प्रधानाध्यापक की लापरवाही के बाद सुनकर हमारे संवाददाता विद्यालय गए, जहां शिक्षकों से बात करने पर पता चला कि यहां विद्यालय के प्रति कोई भी जिम्मेवार नहीं है। जब ओलंपियाड परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने से संबंधित जानकारी बीआरसी के द्वारा प्रधानाध्यापक को शुक्रवार को ही मिल चुकी थी, तब भी उस पर अमल क्यों नहीं किया गया और प्रधानाध्यापक विभागीय कार्य बताकर रांची चले गए, जबकि प्रतिनियुक्त की गई शिक्षिका रश्मि बाड़ा को इस बात से कोई जानकारी नहीं है। वही इस शिक्षक हेमंत खलको ने सोमवार को 11 बजे प्रवेश पत्र रिसीव किए हैं, जबकि उसी दिन गुमला में 10 बजे से ही परीक्षा प्रारंभ हो चुका है। यह विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। आखिर इसका जवाब दे कौन है? इस संबंध में शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों से बात की जाएगी और ऐसी लापरवाही बरतने वालों के ऊपर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। मैं विद्यालय में नहीं था, जैक काम बच्चों के कार्य से जैक गया हुआ था और इसकी सूचना विद्यालय में दी गई थी, पर सब समय लोग नहीं ले पाए, तो विद्यालय का चार्ज दिया था, पर उनकी सूचना मैंने दी थी पर वो नहीं ले पाए, तो क्योंकि सोमवार को ले आ गए। अमरेश टुप्पो, प्रभारी प्रधानाध्यापक। मैं विद्यालय में आया हुआ था, खुद मैं मिला हूँ और उनका इस सारे बात करने से ही पता चल रहा है कि उनका लापरवाही है और ये बहुत बड़ा लापरवाही है। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका जवाबदेही तय होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो भी जिम्मेवार अधिकारी है। ये मैं बोल रहा हूँ ना, प्रबंध समिति ठीक से काम करे और जो भी इसके लिए दोषी हैं वैसे वो अधिकार पर कार्रवाई हो, और इसके लिए मैं उच्च अधिकारी से भी बात करूँगा, यहाँ का व्यवस्था ठीक किया जाए और ऐसे लोग को स्थानांतरण करके दूसरे लोग को लाया जाए। अनिरुद्ध चौधरी, सांसद प्रतिनिधि डुमरी। एक दिन सदस्य आए हुए थे, अध्यक्ष साहब भी आए हुए थे और हम लोग संसद प्रतिनिधि भी आए हुए थे और हमारे पत्रकार बंधु भी आए हुए थे, शिक्षकगण भी आए हुए थे, बीआरसी भी आए हुए थे। सबके बात से निचोड़ निकलता है कि यहाँ के हेड मास्टर जो है, जो प्रचार है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए कि बच्चों के साथ बार बार खिलवाड़ की योजना हो, भविष्य इसकी बच्चों की बरकरार बना रहे। बच्चे के भविष्य की, इसके पहले भी जो प्रैक्टिकल हुआ था एग्ज़ाम प्रतियोगिता, उसमें अंक प्रतियोगिता जो है उसमें नहीं मिल पाया, जो कि हमारे बच्चे टॉपर आने वाले थे, टॉप से वंचित रह जाते हैं। अभी जो आए थे, प्रतियोगिता में शामिल होना था, उसे शामिल होने से वंचित हो जाते हैं। इस तरह से बार बार होगा तो हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही ना हो रहा है, नहीं करवाई की जाए।
मकबूल आलम सदस्य। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।